यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बड़ी खबर की पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रखे हैं। हैफेड के गोदाम में भीषण आग लगी है, तो बड़ी खबर ये पलवल से आ रही है। और गोदाम में जो लकड़ियां रखी थी वो भी जलकर खाक हुई है, साथ ही लाखों टन अनाज खतरे में है इस आग के चलते। तो बड़ी खबर पलवल से आपको दे रखी है, चूंकि हैफेड के गोदाम में आग लगी है तो लाखों टन अनाज ऐसा है जो कि खतरे में है। हालांकि आग लगने के कारण क्या रखी उसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। शुरुआती तौर पर जो जानकारी हमें मिल पा रखी है, गोदाम में रखी लकड़ियों में आग लगी है। इस आग लगने के पीछे कारण क्या है वो फिलहाल तक जांच का विषय है। और मौके पर दमकल की कई गाड़ियां उपस्थित हैं, साथ ही आग बुझाने के काम में जुटी हैं। तो बड़ी खबर पलवल से दे रखी है, हैफेड के गोदाम में भीषण आग लगी है। गोदाम में रखी जो लकड़ियां हैं उनमें आग लगी है, जिसके चलते लाखों टन अनाज जो कि हैफेड के गोदाम के अंदर रखा है वो अभी तक खतरे में है। चलिए इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ रुस्तम जाखड़ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। रुस्तम, पूरी जानकारी क्या मिल पा रखी है, आग लगने के कारण क्या रखे, इसका खुलासा अभी तक हो पाया? जी ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। अनाज मंडी के अंदर हैफेड का एक गोदाम बना हुआ है। आज तकरीबन 12 बजे आग लगने की सूचना इसमें मिली, जो गेहूं की बोरियों को जिन क्रेटों लकड़ी की जिन क्रेटों के ऊपर रखा जाना है वो क्रेट यहां पे रखी हुई हैं और लाखों की संख्या में वो क्रेट हैं यहां पे। और इनमें आग लगने की वजह से आग इतनी भयंकर रूप धारण कर लिया आग ने कि आस पड़ोस के जो मकान है, तीन मकान ऐसे हैं जो इस आग की चपेट में आए हैं। आनंद फानंद में फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। जी, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और जो मकानों का जो सामान है जो जल गया है उसको बाहर निकाला जा रहा है और पुलिस के साथ साथ दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर हैं। साथ ही संभावित नुकसान कितना लगाया जा रहा है रुस्तम, के अनाज जो रखा है लाखों टन की बात कही गई? अगर नुकसान की बात करें तो हैफेड के गोदाम में जो लकड़ियों जो क्रेट है उनकी जो लाखों रुपए में उनकी कीमत है, इसके साथ ही जो मकानों में जो सामान जला है उसकी कीमत भी लाखों रुपए में आकी जा सकती है। और इसके साथ साथ गनीमत ये रही कि गोदाम के पास में अनाज की हजारों क्विंटल अनाज जो बोरियों में भरकर रखा हुआ है उसको आनंद फानंद में लेबर बुलाई गई है, उसको हटाया गया है, वो नहीं जला है, तो ये एक बड़ी गनीमत रही है, बड़ा हादसा होने से टला है। बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अपडेट आपको दे रखे हैं, आग पर काबू पा लिया गया है, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर उपस्थित रही और साथ ही कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। आग लगने के कारण क्या रखे वो फिलहाल तक जानकारी नहीं मिल पाई है। तो करीब 12 बजे की ये घटना रखी जिस वक्त पलवल हैफेड के गोदाम में भीषण आग लगी और गोदाम में जो लकड़ियां रखी थी उनमें आग लगी है। हालांकि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि गनीमत ये रखी कि जो लाखों टन अनाज था वो बचा है, उस तक आग नहीं पहुंची, तो आसपास के मकानों तक भी आग पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तो पलवल से बड़ी खबर आपको दी। तो बड़ी खबर पलवल से आपको दी, हैफेड के गोदाम में जहां की लाखों टन अनाज रखा था आग लगी है, साथ ही आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है। और आग लगने के कारण क्या है वो फिलहाल तक जांच का विषय है।